बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम गुड एंड आई होप सो आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मटन चॉप्स, और बहुत स्पाइसी मज़े की, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और ये बहुत मज़े की बन रही है। ईद स्पेशल है, आप लोग देखें और फुल वीडियो एंड तक और प्लीज़ मुझे बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg मटन, और इसके साथ जो मेरे पास है वो है टोमेटो प्यूरी और फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके अलावा जो मैंने ज़्यादा ऐड करना है मतलब इंग्रेडिएंट्स में वो है अनियन। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि मैंने सबसे पहले 3 लार्ज साइज अनियन ले लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप देसी घी। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, और लेकिन देसी घी का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। अब आपने इन अनियंस को स्टेप फ्राई करना है। स्टेप फ्राई होने के बाद आप इसके अंदर ये ऐड कर दें चॉप्स। इस तरह से स्टेप फ्राई हुए, उसके बाद आपने डालने इसके अंदर 1 tablespoon फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, और 1 teaspoon मेरे पास है साल्ट, 1 teaspoon मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर, 1/2 to 1/2 teaspoon टर्मेरिक पाउडर, 1/2 teaspoon मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon मेरे पास है ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 teaspoon मेरे पास है चाट मसाला। इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को आप डाल दें चॉप्स में। ये देखें ये किस तरह से फ्राई हो रहे हैं, और अब आप इसमें डाल दें ये इन्ग्रीडियंट सारी, और उसको आप ये देखें कि ये किस तरह से मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर 1 tablespoon मेरे पास है यहाँ पर लेमन जूस, इसको ऐड कर दें। फिर अब आप ऐड कर दें 1 bowl ऑफ योगर्ट। ये देखिए इसके अंदर योगर्ट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर आपने जो है इसको पकने देना है। ये देखिए किस तरह से भून रहे हैं, और अब आपने इसके अंदर डाली है टोमेटो प्यूरी, जो मैंने 4 जो है टोमेटो ले लिए थे और उनकी प्यूरी बना ली थी, और इसको मिक्स करें ये मसाले के अंदर। ये देखिए इसको मिक्स करें और भूनें, ये बहुत मज़े का मसाला जो है प्रिपेयर हो रहा है। ये देखिए ये कितने मज़े का जो है ये भून रहा है, और बस इसको 5 मिनट्स और थोड़ी सी देर है, उसके बाद ये फुल रेडी है। ये देखिए मसाला मटन चॉप्स आर रेडी, और अब हम इसके अंदर डालते हैं ये ग्रीन चिलीज, और इसको मिक्स करें आप। और ये देखिए अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से आप सारा निकाल लें। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मसाला मटन चॉप्स आर फुली रेडी, और ये बहुत मज़े के हैं, और आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।